सो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले। इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट फ्लैग स्टाफ इज 6 सेंटीमीटर हाई वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 9 मीटर हाई। हम लोग यहाँ पे सारा यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में लेने वाले हैं। तो एक्चुअल शिप का हाइट देखिए, मास्ट का कितना है 9 मीटर, मतलब कितना 900 सेंटीमीटर। कब? जब मॉडल शिप का हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 33 मीटर, लेंथ ऑफ द शिप मतलब एक्चुअल शिप 33 मीटर है, इसका मतलब 3300 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग इज द मॉडल ऑफ द शिप, ये आपको एक्स निकालना है। इसके बीच में रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि देखिए ये 900 था तो हाइट क्या था 6 था, अब ये 3300 है मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाइट बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, जब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा, तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा हुआ? डायरेक्ट रिलेशन हुआ, जैसे हम लोग पीछे करते आ रहे थे। एक सेंटेंस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्चुअल शिप between actual ship and model ship, बस ये एक सेंटेंस दे देना है। करना क्या है आपको? x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल्स टू क्या? x के ऊपर देखिए क्या है, 6 है तो 6 लिखिए क्वेश्चन मार्क, इसको फ्लिप कर दीजिए, फ्लिप कर दीजिए तो 3300 ऊपर चला गया, 900 नीचे आ गया, 900 का ये दो जीरो, ये दो जीरो रिड्यूस हो गया, 3 3 9, 3 2 6, 3 11 टाइम, 11 इंटू 2 कितना 22, यूनिट क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग? सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर। देखिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, द मास ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड वेरीज डायरेक्टली, देखिए इसमें क्वेश्चन में ही बोल दिया वेरीज डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। With its length, if a 16 centimeter long rod, 16 centimeter long rod has a mass of 192 gram, mass कितना है 192, length कितना था 16 centimeter, ठीक है। आगे देखिए आपको निकालना क्या है, find the length of the rod, तो ये length of the rod निकालना है, उस मास इज 105 ग्राम, इसके बीच में रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, तो आप एक सेंटेंस लिख दीजिए, there is a direct relation between मास and length, between mass and length of rod, of aluminium rod या फिर rod, ये लिख दिया आपने। क्या find करना है? x find करना है, तो x equals to क्या, देखिए x के ऊपर क्या है 16, तो 16 लिखना है, into इसको flip कर दीजिए, मतलब 105 by 192, बस अब इसको कैलकुलेट करना है, तो देखिए ये 16 से रिड्यूस हो रहा है, 16 1 16 32 16 2, अब ये देखिए 3 से जा रहा है, 3 4 3 3 9, 3 5 तो 35 बाई 4 का मतलब हो गया 4 8 32, 3 रह गया 30, तो 4 7 28, 8.75 सेंटीमीटर। देखिए आपका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अमिता हैज टू ड्राइव फ्रॉम ए विलेज ए टू विलेज बी, विलेज ए से विलेज बी जाना हुआ, शी मेजर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर बिटवीन दिस विलेजेस ऑन अ मैप, मैप पर जब उन्होंने मेजर किया, मैप पर एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, मैप पर जब उन्होंने मेजर किया तो वो जो डिस्टेंस एक विलेज से दूसरे विलेज का जो मिला वो था 3.5 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि ये एक्चुअल में ये डिस्टेंस कितना था, मैप पे 3.5 दिख रहा था लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस क्या था। उसके लिए देखिए वहां पे एक स्केल दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि मैप पे यदि 1 सेंटीमीटर है
तो वो एक्चुअल में मैप पे कितना 1 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल में वो कितना हुआ 20 किलोमीटर हुआ, 20 किलोमीटर हुआ, ठीक है। अब मैप पर कितना था 3.5, मैप पर 3.5 है, तो एक्चुअल में वो डिस्टेंस कितना है यही निकालना है आपको, यही निकालना है। अब एक सिंपल सा बात सोचिए, जब मैप पे 1 सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस ये है, मैप पे 3.5 हुआ तो ये जो डिस्टेंस है मैप का डिस्टेंस बड़ा हुआ, तो ये डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, ये डिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम लोग लिखेंगे देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मैप डिस्टेंस, बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड एक्चुअल डिस्टेंस, एंड एक्चुअल डिस्टेंस। ये एक सेंटेंस लिख दिया आपने, आगे क्या है आपको, ये एक्स फाइंड करना है, ये एक्स फाइंड करना है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या, एक्स के ऊपर क्या है, देखिए 20 लिखा, इसको फ्लिप कर दीजिए तो 3.5 बाई 1, तो 1 तो नीचे लिखने का कोई वैल्यू नहीं है। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 35 to 7700, 7700 एक डेसिमल है, तो ये हो गया आपका 7, देखिए 20 into 35 है, थोड़ा देर के लिए इस डेसिमल को यदि हम रिमूव कर दें तो ये क्या आएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो इससे ये 0 कैंसिल हो गया, 35 to 70, तो ये हो गया आपका 70 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए 23 मीटर 75 सेंटीमीटर हाई टैंक कास्ट शैडो ऑफ 20 मीटर लॉन्ग, फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय ए ट्री 9 मीटर 50 सेंटीमीटर। इस पार्ट का पहला पार्ट का ये देखिए क्वेश्चन, हमने इसको फॉर्म कर लिया है, यहाँ पे जो आपको लेंथ ऑफ द शैडो निकालना है वो ये एक्स है, ये फाइंड करना है आपको। इन दोनों के बीच में देखिए रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो वो डायरेक्ट रिलेशन का वो जो लाइन है वो मैं नहीं लिखता हूँ, वो तो आप सीख समझ चुके हो, हर क्वेश्चन में लिखना होता है। तो x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या, देखिए ऊपर क्या है 20 है, तो 20 लिखना है, इसको फ्लिप कर देना है, इसको फ्लिप कर देना है, मतलब 9.50 ऊपर जाएगा और ये 23.75 नीचे आएगा, दोनों में देखिए डेसिमल प्लेसेस है, दो दो प्लेस का ये हट गया, 5 से रिड्यूस कर दीजिए, 5 4 20, ये 3 37, 5 7 35, 25, 5 5 25, 475, 950, देखिए ये तो पूरे रिड्यूस हो गया 2 टाइम में, 4 2 कितना 8, मतलब ये जो मिला आपको कितना मिला 8 मीटर, देखिए आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट देखिए, द हाइट ऑफ ए ट्री, हाइट ऑफ ए ट्री आपको फाइंड करना है, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो इज 12 मीटर, तो इसका भी हमने क्वेश्चन पहले से फॉर्म करके रखा है, यहाँ भी रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है, आपको यहाँ पे एक सेंटेंस पहले लिखना पड़ेगा, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ ए शैडो एंड द हाइट ऑफ ए ट्री। उसके बाद फिर x का सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या, देखिए x के ऊपर क्या है 23.75 इंटू, इसको फ्लिप कर दीजिए, फ्लिप कर दीजिए मतलब 12 ऊपर 20 नीचे, अब क्या करना है रिड्यूस ही तो करना है, ये डेसिमल हटाने से नीचे क्या आएगा 100 आएगा, कोई बात नहीं, 5 से करते हैं, 5 4 कितना 20, 5 से इसको रिड्यूस करने पे कितना मिलेगा 5 4 कितना 20, 5 7 35, 5 5 25, ठीक है, 4 से इसको रिड्यूस कर दीजिए, 4 से 4 3 12, ठीक है, ये देखिए 475 × 3 है तो कितना हुआ 5 3 15, 1 carry 22, 2 carry 14, और दो प्लेस का डेसिमल था, तो 14.25 मीटर जो है ये आपका हाइट ऑफ द ट्री हो गया। इस तरह से देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, देखिए क्या है, इफ 5 men or 7 women कैन अर्न ₹525 per day। अच्छा इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, 5 men or 7 women, मतलब 5 men का अर्निंग भी 525 है और 7 women का अर्निंग भी 525 है, यही है। अब इससे देखिए कुछ हम लोग डिराइव करेंगे, काफ़ी अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 men, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5 men अर्निंग
फाइव मैन अर्निंग इज इक्वल्स टू सेवन वुमेन अर्निंग, यही तो है इस सेंटेंस का मतलब। क्या हुआ, यही तो हुआ कि फाइव मैन और सेवन वुमेन कैन अर्न रुपीज 525, मतलब जितने पांच लोग कमाते हैं उतने ही सेवन वुमेन्स कमाते हैं। तो फाइव मैन का अर्निंग जो है वो सेवन वुमेन के अर्निंग के बराबर है। तो वन मैन का क्या होगा फिर, वन मैन अर्निंग जो होगा वो सेवन बाई फाइव वुमेन के अर्निंग के बराबर होगा, ठीक है। फिर हम लोग को जो निकालना था वो 10 मेन एंड 13 वुमेन था ना, तो उसमें मेन कितना था, 10 था। तो 10 मेन का अर्निंग जो है वो कितने वुमेन के बराबर होगा, चाहिए देखते हैं। तो अर्निंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 बाई 5 इंटू 10, मतलब 5 टू जा इक्वल्स टू कितना, 14। 14 वुमेन के अर्निंग के बराबर आ रहा है, 14 वुमेन अर्निंग। अच्छा, आपको जो क्वेश्चन फाइंड करना था उसमें था 10 मेन एंड 13 वुमेन, तो फिर हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं 10 मेन एंड 13 वुमेन, 10 मेन एंड 13 वुमेन अर्निंग इक्वल्स टू 10 मेन जो है वो कितने वुमेन के बराबर है, 14, और यहाँ पे वुमेन कितना है, 13, तो 14 प्लस 13 कितना हुआ, 27। तो 27 वुमेन के अर्निंग के बराबर होगा। मतलब ये सब लिखने का मतलब क्या हुआ कि अब आप ध्यान से समझिए, आपको क्वेश्चन में फाइंड जो करना था वो था व्हाट वुड बी द अर्निंग ऑफ 10 मेन एंड 13 वुमेन। हमने यहाँ पे निकाल लिया 10 मेन एंड 13 वुमेन का जो अर्निंग है वो 27 वुमेन के अर्निंग के बराबर है। अब यदि आपने 27 वुमेन का अर्निंग निकाल लिया तो आंसर आपका मिल जाएगा। तो मतलब आपका वुमेन का अर्निंग निकालना है तो वुमेन यहाँ रखते हैं, ठीक है, अर्निंग इधर रखिए, अर्निंग वहाँ भी रख सकते थे, कोई बात नहीं है। तो देखिए कितना वुमेन है, पहले क्वेश्चन पे आइए, सेवन मैन और फाइव मैन और सेवन वुमेन, तो सेवन वुमेन कितना अर्न कर रहा है, 525 अर्न कर रहा है। आपको कितने का निकालना है, 27 का निकालना है, इसको एक्स मान लीजिए। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक सेंटेंस लिख दीजिए, क्या सेंटेंस, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वुमेन एंड अर्निंग, ठीक है। आगे क्या है, आपको x फाइंड करना है। तो ये x कैसे फाइंड होगा, x इक्वल्स टू देखिए x के ऊपर क्या है, 525, तो 525 इनटू का साइन, इसको फ्लिप कर दीजिए, मतलब 27 ऊपर 7 नीचे। अच्छा, 7 से रिड्यूस होगा, देखिए 7 से कितना, 49, 335, 75 या 35, करना क्या है, 27 इंटू 75, तो 75 इंटू 27 कितना, 5735, कैरी कितना, 34952, अच्छा 52 या 10, कैरी 115, ये 52100, मतलब रुपीस 2025, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।